नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे इनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की जितनी भी लीडिंग वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और आपके लिए ये सीरीज स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी, उसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही जो इंस्टा का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पर इस समय गैप हो रहा है, घर में फंक्शन है मेरा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, इसलिए तो आप लोग टेंशन ना ले, सारे के सारे टॉपिक्स को मैं कवर कर दूंगा। और यहाँ पर करंट अफेयर्स में कोई बिल्कुल अलग सा टॉपिक नहीं आ जाता, कंटिन्यूएशन में कोई जो टॉपिक होता है वो बिल्ट होता है यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो उन सारे के सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। आज जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं, सबसे पहले पंडित शिव कुमार शर्मा जी का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन है। ये जीएस पेपर वन में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आर्ट एंड कल्चर में रख सकते हैं, है ना। संतूर वादक वगैरह से संदर्भित है आपके, तो म्यूजिक से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये, फैक्चुअल इसको देखेंगे। उसके बाद जो दूसरे नंबर का टॉपिक है आउटडेटेड लॉज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलोनियल एरा में जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था, है ना, तो उस दौरान जो लॉज बनाए गए वो वेलफेयर से ज्यादा किस लिए बनाए गए थे, सप्रेसिव थे वो। तो ये बोला जा रहा है कि जो आउटडेटेड है, है ना, आज के हिसाब से या देश के हित के हिसाब से, तो उनका बोझ भारत क्यों सहे, है ना, उनमें सुधार की आवश्यकता है। जैसे कई सारे जो आपके कानून वगैरह थे उनको जो है स्ट्रक डाउन भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, चाहे राइट टू प्राइवेसी में देख लें आप लोग, आधार कार्ड में, चाहे श्रेयस सिंघाल वाला देख लें आप लोग, है ना, आईटी की जो धारा है आपकी 66A, है ना, तो वो सब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जीएस पेपर टू का पार्ट है। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी का ये आपका टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक होता है ये और इसको हम छोड़ के चले जाते हैं और इसमें से डायरेक्टली नंबर जो है फेच किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग कि अभी किस तरीके से जो मिलिट्री के हमारे पर्सनल है उनके जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से उनको किस तरीके से फेसबुक के अकाउंट के द्वारा जो है उनको एक्सेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर एनआईए ने जांच वगैरह रखा है, इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। इंटरनल सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, सारी चीजें वहां पर है। इसके बाद पार्टिकल फिजिक्स की बात करेंगे, बोसॉन वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो उसी से संदर्भित है आपका, साइंस एंड टेक का पार्ट है, है ना, जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं। लास्ट वन जो है रेमिटेंसेस की बात करेंगे, तो ये जो रेमिटेंसेस है ये आपका इकोनॉमिक्स का कोर पार्ट है, जीएस पेपर थ्री में इसको भी रख सकते हैं। इस बार भी भारत की रैंकिंग जो है एब्सोल्यूट टर्म पे फर्स्ट है, ठीक है ना, और जो हमारे जीडीपी में टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है रेमिटेंसेस का 2.9% है विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। और सीधी बात है कि ये रेमिटेंसेस होता क्या है, तो बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में समझिए कि जैसे हमारे जो देश के नागरिक है उनमें से कोई भी व्यक्ति विदेश जाके अगर कमाता है और कमाने के बाद अगर वहां से कोई पैसा भारत भेज रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, विप्रेषित धन, जिसको रेमिटेंस बोला जाता है, ठीक है। तो देखेंगे हम पहले टॉपिक को डिटेल में। तो जो पहला टॉपिक है बिल्कुल कंटेक्चुअल है कि भैया ये है कौन, सबसे पहले जानने की आवश्यकता है, जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है। तो अभी जो है प्रख्यात संतूर वादक हैं ये और इनका निधन हुआ है, तो इस पर जो है गहरा शोक व्यक्त किया है हमारे मोदी जी ने। अब यहाँ पर ये है क्या, इनका जन्म कब हुआ था, तो 13th of January 1938, और ये 1938 कौन सा टाइम चल रहा है, नेशनल मूवमेंट में हरिपुरा, है ना, त्रिपुरी, ये सब चल रहा है अभी, ठीक है। तो जेएनके में जो है ये आपका इनका जन्म हुआ था। इसके बाद ये है क्या, तो भैया फेमस संतूर प्लेयर है, म्यूजिक कंपोजर है, ठीक है। इसके बाद ये किस लिए जाने जाते हैं, तो ये बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए जो है जाने जाते हैं। इन्होंने कंपोज किया था एक सीन जो आपके शांताराम जी की फिल्म थी झनक जयन झनक पायल बाजे, उसके लिए इन्होंने 1956 में एक दृश्य तैयार किया गया था,
तैयार किया था उसके लिए आपके फेमस है। इसके बाद जो इन्होंने कोलैबोरेशन करके जो आपका यादगार संगीत को तैयार किया कई सारी हिंदी फिल्मों के लिए, तो हरिप्रसाद चौरसिया जी का नाम सुना होगा, उनके साथ ये कोलैबोरेट करके चांदनी, सिलसिला, डर, इस तरीके की कई हिंदी फिल्मों के लिए जो है मेमोरेबल म्यूजिक जो है स्टार्ट किया। इनको जो है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1986 में, पद्मश्री अवार्ड भी मिला है 1991 में और पद्म विभूषण भी मिला है 2001 में। इनको बाल्टीमोर यूएसए की जो शहर है वहां की मानद नागरिकता से भी सम्मानित किया गया है। अब संतूर क्या होता है, तो एक ट्रेपेजॉइड शेप का एक हैमर्ड आपका डल्सिमर होता है और ये बना होता है अक्सर अधिकांशतः जो इसमें यूज होता है वॉलनट वुड का यूज किया जाता है। 72 स्ट्रिंग्स होती हैं जो आपकी स्ट्रक होती हैं दो आपकी डेलिकेट कार्ड वुडन मैलेट से, ठीक है ना। इसेंशियली अगर संतूर को देखें तो एक तरीके का ये फोक इंस्ट्रूमेंट था, इसका ओरिजिन देखा जाए तो कश्मीर वैली से है और इसको फिर बाद में स्टेटस मिलता है क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट का। क्यों? क्योंकि इसका जो एफर्ट है परसिस्टेंट देखा जाता है और ये जीने से आपका पंडित शिव कुमार शर्मा जी का, ठीक है, उन्हीं के निरंतर प्रयासों से जो है इनको शास्त्रीय वाद्य यंत्र का दर्जा भी मिला है। संतूर को जाना जाता है शत तंत्री वीणा के रूप में जाना जाता था, के नाम से जाना जाता था, शत तंत्री वीणा, है ना, मतलब 100 तारों वाला वाद्य यंत्र। ये आरंभिक समय की बात कर रहे हैं तब इसको जाना जाता था। यहाँ पर इनकी पिक्चर बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और सीधी बात है कि इन्होंने काफी मेहनत की, इनके दृढ़ संकल्प और प्रतिभा की वजह से ही जो है इन्होंने संतूर को वैश्विक आयाम पर विख्यात मतलब ख्याति प्राप्त कराई, ठीक है। इसके बाद आउटडेटेड लॉज की बात करेंगे अगर, तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि कोलोनियल बैगेज जो है आउटडेटेड लॉज का, हम क्यों उसको सफर करें, हमारा राष्ट्र क्यों सफर करे। तो सीधी बात है कि जो आपके लॉज कोलोनियल है, सप्रेसिव है, तो उनको खत्म करने की आवश्यकता है और कम से कम लॉज भी होने चाहिए। क्योंकि नेपोलियन का एक स्टेटमेंट आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं, कि उन्होंने बोला था नेपोलियन ने कि पूरे देश का कानून इतना छोटा होना चाहिए कि हर किसी की जेब में आ जाए और इतनी सरल भाषा में होना चाहिए कि एक नॉर्मल आदमी भी उसको समझ सके। आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग आईएएस आईपीएस एसडीएम बनने जा रहे हैं डीएसपी, तो आप लोगों को और हम लोगों को भी पढ़ने में क्लिष्टता होती है क्योंकि भाषा बड़ी क्लिष्ट है। अगर आम जन की भाषा हो तो आम आदमी भी उसको आसानी से समझ सकता है, तो कहीं ना कहीं जो है भाषा की अभिजात्यता का हमको सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जजमेंट्स बताएंगे, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे जजमेंट्स दिए हैं, जैसे कि श्रेयस सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि भैया ये जो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट 2000 का, ये आपका असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। और इसमें सीधा बोला गया कि जैसे आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए है, उसके अंतर्गत क्या दिया गया है बताइए, वहां पर भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और उसके बाद जब आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे आप, तो वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन इससे ये बोला गया कि इससे हमारे देश के नागरिकों की, व्यक्तियों की जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर किसी तरीके का ऐसा सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर के नाम पे नहीं लगाया जा सकता है। और ये उचित प्रतिबंध, उचित से ज्यादा अच्छा उसका वर्ड ये होता है हिंदी में, युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्ति युक्त निर्बंधन बोला जाता है उसको, है ना। तो युक्ति युक्त जो आपका प्रतिबंध है, जो आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, उसके अंदर इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। नहीं तो सरकारें ऐसा करेंगे कि किसी ने भी ट्वीट कर दिया तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, ये तो भैया उसी तरीके की बात होगी जैसे अंग्रेज करते थे। उसके बाद 1983 का एक एग्जांपल दिया इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये केसेस, आप नोट डाउन करके अपने नोटबुक में रखिएगा जीएस पेपर 2 वाले में, है ना। और नोट हमेशा A4 साइज के लूज पेपर्स में बनाया करिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो मिठू वर्सेस ये स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, इसमें जो सेक्शन 303 है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया था। इसके अंतर्गत कैपिटल पनिशमेंट की बात है मर्डर के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है किसी व्यक्ति का, ठीक है ना, ठीक है। और मान लीजिए कि आजीवन कारावास की सजा काट रहा कोई व्यक्ति है, उसके द्वारा हत्या के लिए जो है मृत्यु दंड का प्रावधान था, तो इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्ट्रक डाउन किया तो उसमें दो आधार दिए कि भैया आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का, ये एक तरीके से प्राकृतिक और नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत भी आते हैं, है ना। 14, 19 और 21 को आप मिला के देखेंगे तो इसको गोल्डन ट्रायंगल भी बोला जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 और 21 का इन्होंने बोला कि ये भैया उल्लंघन है, इसलिए खारिज कर दिया इन्होंने। उन्होंने बोला कि धारा के तहत जो अपराध है वो केवल मृत्यु दंड के साथ दंडनीय था, यहां पर न्यायपालिका अपने डिस्क्रिशन का प्रयोग करने की शक्ति नहीं देती है,
है ना, बोलती कि अगर आपने डिस्क्रिशन वहां पर डिस्क्रिशन का उपयोग कर लिया, स्वविवेक का यूज कर लिया, तो भैया अनुचित है, अन्यायपूर्ण है। तो किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित करने का आपको अधिकार नहीं है, है ना, और उसके लिए इसको अनुचित प्रक्रिया बताया गया उनके द्वारा। इसके बाद 2018 का केस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें स्ट्रक डाउन किया गया जो आपका सेक्शन 377 है या आईपीसी का है, जो अननेचुरल सेक्स के लिए जो है क्रिमिनलाइज किया गया था। किसको? अननेचुरल सेक्स को वहां पर क्रिमिनलाइज किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो जोसेफ शाइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस है, इसमें जो अडल्ट्री था सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी डिफाइन किया कि भैया जो सेक्शन 497 में एडल्ट्री, ये तो आर्बिट्रेरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, यहां मेल और फीमेल के लिए अलग अलग प्रावधान है, ठीक है, तो वायलेटिव है ये आपकी किस तरीके से कि वुमेन की डिग्निटी पर ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो यहां पर सेक्शन 498A है, उसको भी यहां पर अमेंडेड किया गया, क्यों? क्योंकि उसका जो यूज किया जा रहा था वुमेन्स के द्वारा, इसको लीगल टेररिज्म, दहेज वगैरह से रिलेटेड है, इसका जो आपका यूज किया जा रहा था वुमेन के द्वारा, मिसयूज ज्यादा हो रहा था, और इसको लीगल टेररिज्म की संज्ञा भी दी गई है बहुत सारे एडिटोरियल्स में, इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन को भी जो डाउरी से रिलेटेड है, इसमें इनको बोला गया कि भैया जो मैन वगैरह है, जो व्यक्ति, जो पुरुष है बेचारे, उनको अननेसेसरली जो है वहां पर हरास किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, तो इसको भी जो है वहां पर ऐसा बोला गया है कि इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है इसमें संशोधन किया गया। इसके बाद बेनिफिट्स क्या होंगे इसके, अगर रिफॉर्म करेंगे हम लॉज में, क्या लाभ होंगे? तो सीधी बात है कि हम एक प्रगतिशील समाज की स्थापना कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के अधिकारों को वहां पर हम लोग बहाल कर पाएंगे। जैसे जैसे समाज बढ़ता है, तो समय और काल के संदर्भ में सामाजिक मूल्यों का भी वहां पर क्या होता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, उसमें बदलाव होना चाहिए, होता रहता है। तो यहाँ पर नागरिकों को अधिक से अधिक अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। आप 1978 का केस देखेंगे, मानिका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वहां से जो है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लिबर्टी, इस तरीके की चीजों की मांग होती है। 90 के बाद अधिकारों की और मांग होती है, और देखिए आपकी बाद में जो है आधार में भी फिर राइट टू प्राइवेसी को जो है वहां पर क्या किया जाता है, चैनलाइज किया जाता है, और उस तरीके के अधिकारों को भी नागरिकों को मुहैया कराया जाता है। अब पुट्टू सिरोमी वाले केस की बात करें, कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा बोला कि निजता का अधिकार जो है, जो राइट टू प्राइवेसी, ये फंडामेंटल राइट है भैया, और सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला कोर्ट के जो सबरीमाला मंदिर का जो फैसला था, उसमें घोषित किया कि जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है ना, चाहे वो धर्म का संदर्भ क्यों ना हो, तो वो समूह के अधिकारों पर हावी होती है, ज्यादा प्रिवेलेंट होती है, ठीक है। इसके बाद नागरिकों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता का यहाँ पर समर्थन किया गया, जैसे श्रेया सिंघाल वाला केस है, उसमें आईटी एक्ट की जो 66A जो आपकी धारा, उसको रद्द किया गया। तो सीधा बोला गया कि भैया सार्वजनिक व्यवस्था के लिए अगर खतरा है, तो उसके लिए ये जरूरी, ये आवश्यक है क्या कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खंडित कर दें, वो उसका आधार नहीं हो सकता। इसी तरीके से आधार कार्ड में भी बोला गया कि भैया आधार कार्ड है, ठीक है, लेकिन इसको अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता कि हर जगह जाके आप उसको कंपलसरी बना दे। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, उसने इनिशिएट किया है, एक मालवेयर अटैक हुआ है जो ई डिवाइसेस से रिलेटेड है, डिफेंस पर्सोनल के संदर्भ में। तो एनआईए ने लॉन्च किया एक प्रोब, और यूज, देखिए सीधी बात है कि यहाँ पर एक फेसबुक प्रोफाइल की जांच शुरू की उन्होंने, उसके माध्यम से क्या किया जा रहा था कि जो भी हमारे मिलिट्री के लोग हैं, रक्षाकर्मी हैं, उसके द्वारा उस प्रोफाइल से क्या किया गया, कांटेक्ट किया जा रहा था, ठीक है, और जो भी वो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, है ना, उनकी संवेदनशील जो भी जानकारी है उसको वो यूज कर रहे थे, उसको एक्सेस कर रहे थे मालवेयर के थ्रू। तो यहाँ पर जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में की हाइलाइट्स बता रहे हैं कि एजेंसी को ये सस्पेक्ट है, आशंका है कि ये ऑपरेट किया जा रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान का इतना सा ही काम है, छोटा भाई है अपना, भटक जाता कभी कभी। तो इसके बाद जो है कि ये आपका जो आरोप लगाया गया इसमें कि फेसबुक जो है उस अकाउंट के माध्यम से रक्षा कर्मियों के जो भी इलेक्ट्रॉनिक ई डिवाइसेस हैं, उसमें जो उनकी इंपॉर्टेंट या सेंसिटिव जानकारी है, है ना, वो राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ से क्या है, इंपॉर्टेंट है, और उसको वहां से चुराया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो भी टारगेट इंडिविजुअल्स हैं, उनके गैजेट्स को इन्फेक्टेड किया जा रहा है, किसके थ्रू, मालवेयर के थ्रू, ठीक है, और उसमें जो है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को वहां पर क्या किया जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है ना, जो भी रिस्ट्रिक्टेड डेटा है उनको भी एक्सेस कर रहे हैं, वो कंप्यूटर रिसोर्सेस को और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील कर रहे हैं। इसका इंटेंशन क्या होगा, तो सीधी बात है, जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको जो है अंजाम देने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऋणात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, और उसी के द्वारा हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर भी ऋणात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अब मालवेयर अटैक क्या होता है, तो सीधी बात है कि माल, MALL जो है, ये प्रीफिक्स कहीं भी लग जाए तो वो आपकी नेगेटिव चीज है, जैसे माल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, जैसे
माल न्यूट्रिशन, बहुत सारी चीजें आप लोग देखेंगे। तो ये एक तरीके का इंट्रूसिव सॉफ्टवेयर होता है, इसको डिजाइन किया जाता है डैमेज और डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसको? कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर्स को, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका? कॉन्ट्रैक्शन किसके लिए? मैलिशियस आपके सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मालवेयर देख लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक एक लाइन में नोट डाउन करके रख सकते हैं। वायरस क्या होता है? तो भैया वायरस एक तरीके की फोटोकॉपी समझ लीजिए कि वो अपने ही तरीके की जो है प्रतिलिपि बनाता चला जाता है, और ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। यह अटैच होता है किसी डॉक्यूमेंट या फाइल के साथ, ठीक है, और ये रन होता है किसी कोड के साथ, ठीक है। फिर स्प्रेड होता है ये एक होस्ट से दूसरी जगह पे, ठीक है। अब ये तब तक डॉर्मेंट रहता है जब तक हम डाउनलोड नहीं कर लेते कोई फाइल, और जब डाउनलोड कर लेते हैं, जब उसको ओपन करते हैं, यूज करते हैं, तब ये आपका एक्टिव होता है, इसीलिए वायरस बोला जाता है। जब तक आप नॉर्मल वायरस देखिए, जब तक वायरस बाहर है एटमॉस्फेयर में, तब तक वो जीवित नहीं होता। जैसे वो शरीर में आता है तब वो आपका जीवित होता है, तब वो अपना इंपैक्ट डालना चालू करता है। उसी तरीके से ये भी कि जब तक हम फाइल ओपन नहीं करेंगे, डाउनलोड नहीं करेंगे, तब तक वो डॉर्मेंट रहता है। डॉर्मेंट का मतलब सुसुप्त, सुसुप्तावस्था। वर्म्स की बात करें यहाँ पर, तो ये भी हार्मफुल प्रोग्राम है ना। ये जल्दी जल्दी क्विकली जो है डुप्लीकेट अपना जो है जनरेट करता है, स्प्रेड करता है उसको सभी डिवाइसेस में जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अभी ये जो है आपके, इसको होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती है स्प्रेड होने के लिए, ठीक है ना। ये इन्फेक्ट कैसे करता है सिस्टम को? जब हम डाउनलोड करते हैं फाइल को या नेटवर्क कनेक्शन, तो उससे जो है आपका संक्रमित करते हैं ये फाइल को। ट्रोजन वायरस की बात करें तो ये आपके कैमोफ्लेक्ड होते हैं एज यूजफुल सॉफ्टवेयर में, है ना, जो भी हमारे यूटिलिटी के सॉफ्टवेयर है उसके संदर्भ में बताया जा रहा है ना। तो ये एक ऐसे वायरस होते हैं जो जिनको ऐसा शो किया जाता है कि भैया ये बहुत उपयोगी सॉफ्टवेयर है। अब एक बार अगर इसको डाउनलोड कर लिया जाता है, तो जितना भी सेंसिटिव डेटा होता है उन तक वो व्यक्ति जो आपका इसका यूज करना चाह रहा है, जो आपका अपराधी है एक तरीके का, है ना, वो उन संवेदनशील डेटा तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर लेता है। फिर वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, उसका पूरा का पूरा उस पर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, ब्लॉक कर सकता है उसको, उसको डिलीट कर सकता है ना। तो उसके लिए जो है आपका इस तरीके के ट्रोजन वायरसेस को यूज करते हैं लोग। स्पाइवेयर की बात करें तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्या करता है कि कंप्यूटर से जो भी आपकी सेंसिटिव जानकारी है, गुप्त रूप से ये कोई दूर बैठा हुआ अगर कोई यूजर है तो उसको जानकारी भेजता है, और इसका टारगेट ही होता है कि जो सेंसिटिव डेटा है उसको टारगेट करना है, ठीक है ना। और अटैक करने वाले को ये दूरस्थ पहुंच प्रदान करता है। इसका उपयोग जो अक्सर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और या इंडिविजुअल जो भी जानकारी है उसको चुराने के लिए किया जाता है। इसी के साथ जो नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया एडवेयर, ये भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, तो कंप्यूटर एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है। और ये ऐसा शो करता है कि भैया ये जो है विज्ञापन वगैरह शो करने के लिए, मतलब मान लीजिए कि ये ऐसा बताएगा किसी यूजर को कि ये बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट जो है आपका एड है जो आपको जानना चाहिए, और उसी के उसी को प्रदान करने के लिए कंप्यूटर गतिविधियों के बारे में जानकारी करता है। भैया ये जानकारी दे दो, ये जानकारी दे दो। अब हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं तो हम देते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर आपको जो है खतरनाक वेबसाइट तक ले जाता है, और इसमें भी जो है स्पाईवेयर भी शामिल होता है, हॉर्स भी। रैंसम वेयर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, रैंसम मांगने के लिए, फिरौती मांगने के लिए। तो एक तरीके का ये भी द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है, इसमें भी संवेदनशील डेटा तक पहुंच प्राप्त कर लेते हैं ये आपके जो अपराधी होते हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि भैया हमको इतना पैसा दो तभी हम आपका अकाउंट जो है हैक कर लिया हमने तो वापस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एनक्रिप्ट करता है चीजों को ताकि जो यूजर है वो अपनी ही चीजों को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है ना। फिर वास्तविक जो यूजर है जिसका डेटा है, तो भैया बोलता है कि हम आपको आपका डेटा दे देंगे, पहले हमको पैसा दो। तो पहले लोगों को किडनैप किया जाता था, अब लोगों के डेटा को किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम साइबर वर्ल्ड में जी रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आपका पार्टिकल फिजिक्स के बारे में है। बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो आपका कोलाइडर डिटेक्टर है, फर्मी लैब एक्सपेरिमेंट में देखा है, फिजिक्स जो है आपके, है ना, जो भी आपके भौतिक विद है उन्होंने पाया है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल है जिनको डब्ल्यू बोसॉन बोला जाता है ना, ये 0.1% हैवियर है किससे, जो कैलकुलेशन की गई थी स्टैंडर्ड मॉडल में। टिनी डिस्क्रिपेंसी, जो आपका डिस्क्रिपेंसी बोला जा रहा है, ठीक है ना, एक छोटी सी विसंगति है जो मौलिक भौतिकी में एक बड़े बदलाव का पूर्वाभास दे सकती है। ये आपका कंटेक्स्ट है, इसको रटना नहीं है, है ना। अब स्टैंडर्ड मॉडल क्या होता है, तो ये एक तरीके का पार्टिकल फिजिक्स है जिसमें थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है फंडामेंटल फोर्सेस को। फंडामेंटल फोर्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दोनों, वीक और स्ट्रांग भी, न्यूक्लियर फोर्स भी होता है उसमें, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है ना। और यूनिवर्स में ये आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक। लिमिटेशंस क्या है स्टैंडर्ड मॉडल की, तो भैया ये आपका पहली चीज तो फुल्ली जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता किसको, सॉरी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को। जैसे कि जनरल रिलेटिविटी थ्योरी में
डिस्क्राइब किया गया था, है ना। तो सामान्यता जो आपका सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है उसके द्वारा जो वर्णित गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसकी ये पहले तो पूरी तरीके से व्याख्या नहीं करता। उसके बाद यूनिवर्स की हम एक्सपेंशन की बात करें, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है लगातार विस्तारित तो होता चला जा रहा है, तो उसके दौरान जो संभवता जो आपका डार्क एनर्जी था, है ना, डार्क एनर्जी था, है ना, पॉसिबली जो आपका डिस्क्राइब किया गया किसके द्वारा, डार्क एनर्जी के द्वारा, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल के द्वारा नहीं किया गया उसका वर्णन, ठीक है ना। ये आपकी सीमा बता रहा है ना, इसकी लिमिटेशंस बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि डार्क मैटर का एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। इसके बाद ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा कि न्यूट्रिनो ऑसिलेशंस कैसे होता है और उसमें नॉन जीरो मासेस होता है तो कैसे होता है, शून्यतर जो आपका शून्यतर द्रव्यमानों की भी व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसके हिसाब से जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो आपके नेचर में, जैसे जो आपके विद्यमान है, क्वार्क्स होता है इसमें, लेप्टॉन्स होते हैं और बोसॉन्स होते हैं। क्वार्क्स की बात करें तो ये फॉर्म करता है हेड्रॉन्स, ठीक है, इसके अंतर्गत प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये कंपोनेंट है आपके किसके, सारे एटम्स के न्यूक्लियाई में पाए जाते हैं। इसके बाद जो एंटी पार्टिकल होता है क्वार्क को, उसको सिंपली एंटी क्वार्क बोलते हैं। छह प्रिंसिपल क्वार्क्स होते हैं आपके और छह एंटी क्वार्क्स होते हैं। क्वार्क्स और जो एंटी क्वार्क्स है ये आपके केवल दो ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जो इंटरैक्ट करते हैं चारों फंडामेंटल फोर्सेस से फिजिक्स के, जिसमें ग्रेविटेशन भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी आएगा आपका, जो स्ट्रांग और वीक दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्वार्क्स जो है वो ऑब्जर्व नहीं किए जाते इंडिपेंडेंटली, लेकिन हमेशा ये कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं एक दूसरे के साथ विद अदर क्वार्क्स। लेप्टॉन्स की बात करें तो जैसे क्वार्क्स होता है उसी तरीके से लेप्टॉन्स जो है आपके छह टाइप से होते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें कोई फ्रैक्शनल चार्ज नहीं होता है। लेप्टॉन्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, TAU और तीन टाइप के न्यूट्रीनोज होते हैं, न्यूट्रीनो, ठीक है ना। बोसॉन की बात करें तो कलेक्टिव नेम इसका जो है ये, इसको ऐसे लिया जाता है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो फोर्स को कैरी करते हैं, है ना, मतलब जो बोसॉन बलों को ले जाने वाले कण हैं उनको दिया गया ये आपका सामूहिक नाम है। और सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पे रखा गया इसका नाम, जो कि आपके इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि जो ग्रेविटी है ना, वो एक फोर्स है नेचर में जो पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया है किसने, स्टैंडर्ड मॉडल में, किस कारण से, क्योंकि इसमें फेल्योर है आपका किसका, बोसॉन के डिस्कवर, मतलब बोसॉन की खोज में विफलता है, इसलिए इसके इस मॉडल के द्वारा, मानक मॉडल के द्वारा इसको जो है प्रकृति बल के रूप में गुरुत्वाकर्षण को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया। कुछ ऐसे भी प्राइमरी बोसॉन फोर्स है जो आपके वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, जो अन्य कणों के बीच बलों को जन्म देते हैं। बोसॉन को ऐसे भी कण माने जाते हैं जो सभी भौतिक बलों के जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि अन्य ज्ञात जो बोसॉन, फोटॉन, डब्लू, जेड बोसॉन और ग्लूऑन है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है वो रेमिटेंसेस से रिलेटेड है। तो सीधी बात है कि भारत के लिए GDP में जो आपका योगदान है प्रेषित धन का, जिसको आपको रेमिटेंसेस बोला जा रहा है, उसमें ये बोला जा रहा है कि श्रमिकों, ज्यादा श्रमिकों की जो आवश्यकता है वो तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमको आवश्यकता है उनके कौशल विकास और बेहतर प्रबंधन की। प्रमुख बिंदुओं की बात करें, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, हम लिख लेंगे इसको अपनी नोटबुक में, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदेश मंत्रालय ने अभी एक डेटा दिया है कि दुनिया भर में 13.4 मिलियन से ज्यादा प्रवासी भारतीय हैं, प्रवास करके जो गए हैं, ठीक। अब ये जो प्रवासी हैं ये केवल देश में रेमिटेंसेस नहीं भेजते, उच्च परेशानी नहीं भेजते, बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर में जो है वृद्धि करते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की योगदान को बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और उसी के साथ जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करते हैं और इस तरीके से भारत को बहुआयामी संदर्भ में लाभान्वित करते हैं। विश्व बैंक नवंबर 2021 की जो रिपोर्ट है आपकी, कौन सी रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट, उसमें नवंबर 2021 की रिपोर्ट है, इसमें बोला गया कि इंडिया ने कंटिन्यू लार्जेस्ट रेमिटेंस रेसिपेंट कंट्री के रूप में यहां पर उपलब्धि प्राप्त की है। 2021 में भी कितना पैसा आया हमारे पास, तो $87 बिलियन आए हैं, है ना, जो आपका ऐसी स्थिति लगातार हमारी जो टॉप लेवल पे बनी हुई है 2008 से। जीडीपी के संदर्भ में देखें तो टोटल रेमिटेंसेस का जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 2.9% है। टॉप 5 कंट्रीज जो है रिसीव करती है रेमिटेंसेस एब्सोल्यूट वैल्यू में, इसमें फर्स्ट रैंक इंडिया है, सेकेंड चाइना है, तीसरा मैक्सिको है, थर्ड फिलीपींस है और फिफ्थ आपका इजिप्ट है। टॉप 5 कंट्रीज जो रिसीव करती है रेमिटेंसेस इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, उसमें सबसे पहले टोंगा है, फिर लेबनन है, फिर किर्गिज आपका रिपब्लिक है, ताजिकिस्तान है और एल साल्वाडोर। इन सबको हमको वर्ल्ड मैप में देखना है, मैप डेली देखा करिए, 2 से 4 क्वेश्चन आपको इजिली मिल जाएंगे प्रीलिम्स में। अभी एनवायरमेंट डे के दिन शायद पेपर है आप लोगों का, बताइए जरा कब होता है एनवायरमेंट डे, यूपीएससी के प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं,
है ना, प्री का पेपर जो होने वाला है। इसके बाद जो भारत में प्रेषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसकी तुलना में वो काफी अधिक रहा है, मतलब रेमिटेंसेस की बात करें तो सब्सटेंशियली जो है ये हायर रहा है ना, किसके कंपैरिजन में, तो एफडीआई के संदर्भ में बात तो ये कंपेयर करके बता रहे हैं कि एफडीआई वगैरह से भी बहुत ज्यादा है। और जो फ्लो है रेमिटेंसेस का, जैसे कि आप एफपीओ वगैरह में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन देखते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, बहुत कम है यहाँ पर फ्लक्चुएशन। जैसे एफपीआई जो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आते हैं एकदम से अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएशन मार्केट में देखा जाता है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर चैलेंजेस क्या है जो माइग्रेंट वर्कर्स देखते हैं, तो हायर रिक्रूटमेंट चार्जेस हैं, रिटेंशन ऑफ पासपोर्ट, नॉन पेमेंट एंड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस, पुअर लिविंग कंडीशंस, डिस्क्रिमिनेशन और अदर फॉर्म ऑफ इल ट्रीटमेंट, है ना। तो स्टेप्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो जो ड्राफ्ट किया है इमिग्रेशन बिल जो रिप्लेस करेगा एग्जिस्टेंस जो एग्जिस्टिंग आपका इमिग्रेशन एक्ट है 1983 का, इसके अंतर्गत जो भी हमारे भारतीय नागरिक है जो विदेश में रोजगार प्राप्त करते हैं तो उनके रोजगार के संदर्भ में उनको सोशल सिक्योरिटी नियंत्रित करना, उनको कल्याण जो है उनके उनके संदर्भ में जो कल्याण के आयाम है उनको वहां पर सुनिश्चित करना, उसके लिए एक नियामक तंत्र प्रदान करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाएगा। आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है प्रमोट करना है लेबर्स की हमको मोबिलिटी को, है ना, और रिड्यूस करना है जो रिक्रूटमेंट कॉस्ट होती है वर्कर्स की। इसके बाद हमको जो आपका वो सेंड करते हैं बाहर के लोग जो भी हमारे प्रवासी हैं जो बाहर विदेश में रहते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो रेमिटेंस भेजने में कोई कॉस्ट लगती है तो उसको भी कम से कम करने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रेमिटेंसेस और भी आ सके, ठीक है। इसके बाद जो है प्रवासियों को जो है माइग्रेंट्स वगैरह उनको जो है फॉर्मलाइज करना और रिड्यूस करना अनडॉक्यूमेंटेड और जो इनफॉर्मल माइग्रेशन होता है। इसके बाद उनको प्रोटेक्शन देना, सेफ्टी देना माइग्रेंट वर्कर्स को, किसके द्वारा, तो जो भी आपके रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उनके लिए जो है एक सख्त नियामक तंत्र के द्वारा जो भी आपके रेगुलेशन है उनको बनाए रखकर। इसके बाद जो स्किल डेवलपमेंट की बात है माइग्रेंट वर्कर्स की, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना ताकि उनके अंदर स्किल अपग्रेडेशन हो और फॉरेन लैंग्वेज वगैरह की ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है इसमें आर्टिकल 14 से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये लिखा है, देखिए आर्टिकल 14 की दो चीजें हैं, क्या क्या, कानून के समक्ष समता और कानून का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, दो चीजें हैं उसमें, वही बात है, है ना। इसका एक्सेप्शन भी है आर्टिकल 361 में, जहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल को वहां पर उन्मुक्ति दी गई है, क्यों, क्योंकि यहां पर अधिकारों की बात नागरिकों की है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल नागरिक तो है लेकिन नागरिक से पहले एक पदाधिकारी है, इसलिए उनको वहां पर आर्टिकल 361 में वहां पर एक्सेप्शन दिया गया है, अपवाद के रूप में रखा गया है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है जिसमें बोला गया कि भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी की, आर्टिकल 14 से 18 के बीच, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो बोरो कहां से किया गया, तो भैया ब्रिटिश ट्रेडिशन से, क्यों, क्योंकि हमने वहीं से लिया है। उसके बाद जो स्टेट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, है ना, कई सारे दो सिटीजंस के बीच में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, है ना, मतलब यहां पर बोला गया कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन वो लगाता है तो उस पर सीधा सीधा प्रतिबंध है, मतलब दो अगर नागरिक हैं तो उनके बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव करने पर प्रतिबंध है, विधि के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, कानून का जो समान संरक्षण है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो वो कहां से बोरो किया हमने, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से किया, बिल्कुल ठीक बात है, चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है उसको देखेंगे, और लास्ट एमसीक्यू है आज का ये, तो जो लिखा गया लीगल जो आपका मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का है उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए, बताना इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहला ये कि इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट और गलत पूछा जा रहा है लेकिन सही है। दूसरा ये कि ये इन्फोर्स करता है स्टैंडर्ड्स जो रिलेटेड होते हैं आपके वेट्स और मेजर से, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तीसरा ये कि इसमें प्रिस्क्राइब किया गया है इम्प्रिजनमेंट को, है ना, इन एडिशन टू फाइन फॉर सम ऑफेंसेस, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। और ये पूछ रहे हैं कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है भाई साहब, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।